मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 5 शेयर 300 डेज में। आज मैं अपना पोर्टफोलियो के 5 शेयर्स ही दिखाऊंगा जो टॉप पे, करंट वैल्यू में जो टॉप पे होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में जो टॉप पे हैं, नेट चेंजेस जो उनके चल रहे हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा मेरे निगेटिव 5 शेयर्स हैं आज के, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। प्लस साथ में मैं ये भी दिखाऊंगा कि मेरे सबसे हाईएस्ट गेनिंग शेयर्स कौन से चल रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में, और आज के जो मेरे पोर्टफोलियो हैं उसमें कितना दिन का चेंज हुआ है मेरे टॉप 5 एंड टॉप लोवेस्ट। मैं हमेशा वही करता हूँ, और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। और साथ में जीरोधा एंड अपस्टॉक के लिंक भी दी हुई है, अगर आप अभी भी शेयर मार्केट में नहीं है तो आप उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी चलो शुरू करते हैं फिर 5 शेयर 300 डेज में, जिसमें मैं बस अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। देखिए, ज्ञान देना, मुझे उसके एनालिटिक जाना, उसमें मैं कोई मतलब नहीं है कि मैं वो आपको सिखाते बैठूँ। मेरे से भी बड़े अच्छे लोग हैं तो वो आपको सिखाएंगे। फिलहाल हम ये शुरू करते हैं, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी शुरू करते हैं, फिर हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के ज़्यादा मैं करंट वैल्यू में जो देखे, अगर आप देखो तो मैं करंट वैल्यू पे इस पर किया है मैंने। तो करंट वैल्यू में जो मेरे टॉप के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है मेरा है बजाज ऑटो में, डॉक्टर रेड्डी में, नेस्ले इंडिया, बजाज फिनसर्व, श्री केम में। और इसमें आप देखेंगे तो बजाज फिनसर्व तो एक्चुअली कई बार मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ टारगेट रीच होने के बाद, मैं हमेशा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हूँ बट मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। मेरा फर्स्ट टारगेट इज प्रॉफिट बुकिंग, और विद दैट मेरा 15% का टारगेट होता है, मैं 15% बुक करके मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पैसे को। तो अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, श्री केम का एक ही शेयर है, बजाज ऑटो में काफ़ी है, क्योंकि बजाज ऑटो काफ़ी दिनों से रेगुलर इसी पे चल रहा है। बीच में वो 8-9% डाउन था बट उसने अपने आप को कवर किया है। ये जो आप 959 देख रहे हैं या 947 अभी हो गया, ये करीबन 2-3 हज़ार रुपये निगेटिव था, लेकिन उसने अपने आप को कवर किया। मेरा रिकमेंडेशन, अगर बाई का बोलेंगे, रिकमेंडेशन है ये, बाकी पैसा आपका है, आपका रिस्क है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये 5 शेयर हैं जो आप अभी भी बाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये शेयर मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों इनको रिकमेंडेशन दूँ, बट ये 5 शेयर आज के टाइम पे बेस्ट बाई ऑप्शन है मेरे लिए, इवन आपके लिए भी। मैं ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो मैं डेफिनेटली अभी नहीं करूँगा इसमें इन्वेस्ट। जैसे जैसे मेरे टारगेट अचीव होगा आई विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी, और उसमें टर्म आया तो मैं इसमें कर लूँगा। तो ये मेरा आज का करंट वैल्यू पे हाईएस्ट शेयर है। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो मेरा सबसे प्रॉफिट गेनिंग स्टॉक आज के टाइम पे मेरा IRCTC है, उसके बाद टाइटन है, NTPC है, और बजाज फिनसर्व है, एंड PVP है। PVP मतलब एक नॉर्मल मैंने स्टॉक ले लिया था, आप बोल सकते यानी स्टॉक टाइप का, मैं थोड़ा सा 20% उस पर भी रिस्क लेता ही हूँ, 80% लेकर मेरा बड़े और स्टेबल स्टॉक पे ही पैसा लगा रहा है। अब देखेंगे तो IRCTC तो यार कई बार हमने बेच के खरीदा भी है, और ये करीबन मैं जब 1200 था तब से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि आप IRCTC जरूर ले लीजिए। कौन है कॉम्पिटिशन, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सेम जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था नेस्ले, एक सेकेंड, ये नेस्ले इंडिया, कौन है कॉम्पिटिशन उसका, कॉम्पिटिशन है नेस्ले। आप टाइम पे किसी भी होटल में चले जाओ, होटल में चले जाओ, आपको हमेशा उसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हर होटल में नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी रहेगी या कुछ रहेगा, हमेशा उसके ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेस्ट है कि आप इसमें ही इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोडक्ट्स में। अगर ऐसे कोई शेयर मिलते हैं जिस जो यूनिक है अपनी फील्ड में, आप ज़रूर उसमें पैसा डाल दो बिना सोचे समझे। मैं तो यही कहता हूँ आज के टाइम पे, सोचना समझना ज़रूरी है लेकिन नहीं। तो ये मेरे टॉप पोर्टफोलियो हैं जो पॉजिटिव हैं, और ये मेरे 5 सबसे ज़्यादा निगेटिव पोर्टफोलियो हैं। श्री केम है, रोलेक्स किंग एक्चुअली IPO लिया नहीं था, तो मैंने थोड़े दिन बाद पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया था कि शायद मुझे जो जोमेटो जैसा उसमें भी प्रॉफिट हो पाएगा, बट वो नहीं।
वो अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में मैंने डाला, तो जब तक पॉजिटिव नहीं आता मैं रहने दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे वैसे ही। डॉक्टर रेड्डी आप देखिए फिर से रिपीट हुआ है, आज ऑटो भी गुड स्टॉक। वैभव ग्लोबल ऑलरेडी मुझे प्रॉफिट दे चुका था, मैंने वापस उसमें इन्वेस्ट किया था, तो अभी फिलहाल वो निगेटिव गया था, नाउ इट्स इम्प्रूविंग, आज के दिन में तो वो इम्प्रूव हो रहा है और वो हो भी जाएगा। अब हम जाते हैं नेट चेंजेस में, टोटल देखोगे तो सबसे बड़ा लॉस मुझे बीपीएल है। एक्चुअली सबसे बड़ा लॉस तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसने लास्ट वीक मुझे करीबन 150% प्रॉफिट देख के फिर मैंने इसको बुक कर दिया था, मतलब मंथ रुपीज लगाए थे जहाँ पे ये करीबन 2900 पे गया और मैंने वहाँ पे उसको बेच दिया था और फिर मैंने कुछ शेयर ले लिए थे और उसमें कुछ ऐड किए थे। वो आज के टाइम पे अभी निगेटिव जा रहा है, तो लोअर सर्किट है, अब देखेंगे तो ये 4.59 तो डेफिनेटली ये और नीचे जाएगा, तो मैंने लगा के रखा हुआ है, जब जाके ये वापस पॉजिटिव आना चालू होगा तो आई विल स्टार्ट एडिंग इट। मैं इसको अभी नहीं बेचने वाला, और मैंने तो आपको पहले भी बोला है कि अगर 25% से निगेटिव जाता है तो मैं कभी भी उसमें 1 रुपये भी नहीं डालता हूँ, उसको रहने देता हूँ, स्टॉप लॉस या लिमिट नहीं लगाता हूँ, उनको रहने देता हूँ कि मैं देख सकूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो उस शेयर ने ऑलरेडी दे दिया है। GKW लिमिटेड भी अच्छे शेयर्स हैं, बट ये अभी भी निगेटिव जा रहे हैं। NDTV तो बेटर है, एनी टाइम गुड है स्टॉक, बट बाकी के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इन सब पे अभी फिलहाल पैसा इन्वेस्ट करो। आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके आपके लिस्ट में लगा कर रख सकते हो वॉच में, और अगर आपको लगेगा कि ये ऊपर जाने वाले तो आप ले सकते हो। पॉजिटिव तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, पॉजिटिव का मैंने पॉजिटिव नेट चेंजेस में अगर पॉजिटिव देखेंगे तो 21 STC है और पार आज ही बिक गया, एक्चुअली 38% प्रॉफिट में मैंने आज बुक कर दिया था, GTT लगाई थी और वो बुक हो गया, तो बुक हो गया। प्रोसेस तो मेरे को 2-3 बार दे चुका है गुड, एंड टाटा मोटर्स बहुत कम इन्वेस्ट किया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। यस, अगर मैंने और पैसा लगाया तो और कमाता, लेकिन चलता है यार। JIT इंफ्रा के प्रोजेक्ट, इंफ्रा की कोई भी कंपनी आज के टाइम में आप पैसा डाल दो, जब तक क्योंकि इंफ्रा के बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मेरे हैं टॉप 5, और आज के मेरे ही पोर्टफोलियो में देखते हैं कि कौन से मेरे टॉप 5 हैं आज के दिन में और कौन से सर टॉप लोवेस्ट हैं। तो सबसे पहले लोवेस्ट में जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था BPL, CityNet, शिवम ऑटो, ये सब है। शिवम ऑटो भी अच्छा खासा जा रहा था बट अभी निगेटिव है, तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब देखेंगे, वैसे भी देखेंगे तो इनमें मेरा बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। SCA DPP DVR में ऑलरेडी मेरा है लेकिन इन्वेस्टमेंट, और उसमें मेरा प्रॉफिट मतलब 248 के करीब है, यानी 6%। मैं इसको शायद बुक कर लूँगा और देख लूँगा कि क्या होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आज के दिन में टॉप पे जाने की बात करेंगे तो भाई टाटा पावर, VDL, नेशनल, अदानी पावर, आप घूम फिर के देखेंगे तो 2 पावर कंपनीज हैं ऑलरेडी, VDL भी वही है। आज के टाइम पे पावर डे है जिसमें सभी कंपनीज बढ़ी हैं, और 10% एक ही दिन में बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है भाई, नुकसान भर में 10% भी नहीं कमा सकते हैं। तो अगर आप शेयर में अभी भी नए हैं तो डेफिनेटली आप प्लीज़ लिंक दिया हुआ है स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पे रहना बहुत ही बड़ा रिस्क है, और सोच समझ के खेलिए, लॉन्ग टर्म में खेलिए। मेरा हमेशा रहता है कि इंट्राडे, फ्यूचर पुट एंड कॉल, मतलब लाइक डेरिवेटिव्स कुछ भी, ये सब में मतलब जिसमें आपका टाइम लिमिट है, प्रॉफिट लिमिट है, आप उसको मत ही खेलिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप सब समझ सकते हैं जो भी हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ऐसे शेयर्स में लगाओ कि जब कुछ भी हो जाए नहीं बेचना पड़े आपको। तो मैं हमेशा इसीलिए लॉन्ग टर्म में लगा देता हूँ। हाँ, मेरा प्रॉफिट अगर वो एक दिन में कवर करता है तो मैं बेच देता हूँ, अगर वो 2-5 साल भी रहेगा नेगेटिव रहेगा या मेरे प्रॉफिट तक नहीं पहुँचा तो मैं नहीं बेचता हूँ उसको। ये मेरा पोर्टफोलियो था आज का, 5 शेयर्स 500 300 डेज में। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। आप अगर कोई क्वेश्चन है, आपको किसी बार के बारे में जानकारी चाहिए, प्लीज़ आप वो चीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा या उस पर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरा ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है इसका, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना भी कर सकूँ करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा ये चैनल काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसको
जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो। एलएस को।